पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के कुंदरकी में 100 से अधिक परिवारों के सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया है। कुंदरकी नगर पंचायत ने नोटिस देकर घर के दस्तावेज मांगे हैं। नगर पंचायत ईओ त्रिवेंद्र कुमार का कहना है कि जिस जमीन पर मकान बने हैं वहां रिकॉर्ड में पुराना तालाब है। नगर पंचायत की ओर से नोटिस दिए जाने से लोगों में आक्रोश है। एकजुट होकर इन लोगों ने गुरुवार को नगर पंचायत पर प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि 3-3 पीढ़ियों से वो लोग इन मकानों में रह रहे हैं, अब उनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मकान तालाब की जमीन पर बने हैं। हाथ में नोटिस लेकर प्रदर्शन करने पहुंची कुंदरकी की मुन्नी देवी ने कहा कि वो दस्तावेज कहां से लाएं। बोली, उनकी सास और सास की सास इसी घर में रहती थी, यहीं दोनों की मौत हुई, वो खुद भी अब बुजुर्ग हो गई हैं। तब से किसी ने मकान के कागज नहीं मांगे, लेकिन अब 3 पीढ़ियों के बाद उनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। प्रदर्शन कर रही पंचम का कहना है कि नोटिस में 7 दिन की मोहलत दी गई है, यदि 7 दिन में घर के दस्तावेज नहीं दिए गए तो घर से हटना होगा। उन्होंने कहा कि 50 साल से अधिक से उनके परिवार के लोग इसी मकान में हैं। पहले गांव में आबादी की जमीन के दस्तावेज किसी के पास भी नहीं होते थे, ऐसे में अब वो कहां से दस्तावेज लाएं। मेरा नाम मुन्नी देवी। मुन्नी देवी बताइए, ये क्या नोटिस किसने दिया? हमसे ये दिया है, हमसे ये क्या है, 7 दिन के अंदर अंदर कमरा अपने खाली कर दो। खाली करके हम कहाँ पर जाएंगे? कि जब से सरकार सो रही थी आज जाग रही है क्या सरकार? कब से रहनी है आप यहाँ से? यहाँ पे बहुत दिन होगा, हमारे 3 पीढ़ी बदले, सास के साथ मर गए, सास के साथ मर गए, और अब हम भी मरने को तैयार है। बताओ कहाँ जाओ, हमारे घर में 1-1 किलो आटा भी नहीं है, पैसा हमारे घर में दवाई गोली को भी नहीं है। हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारे हाथ में नोटिस थमा दिए गए, नोटिस थमाए गए, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हमारे बुजुर्ग सभी परेशान हैं। हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे या घर लेने के पैसे इकट्ठे करेंगे, कहाँ क्या करेंगे? किन लोगों ने दिया आपको नोटिस? ये नगर पंचायत के लोग। तो क्या कह रहे हैं वो लोग, क्यों नोटिस दिया है कुछ? इसे खाली करो घर को। पूरा मामला सर अभी नगर पंचायत कुंदरकी से हम लोगों को ये नोटिस जारी कर दिए गए हैं, ये कि यहाँ पर हम लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है, जबकि हमारा जो हम यहाँ पर जो रह रहे हैं दादा परदादाओं के ज़माने से हमारे यहाँ पर पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ रही हैं, और मेरी उम्र भी लगभग 36 साल के करीब है, और मुझे पूरी ज़िंदगी यहाँ पर रहते हुए हो गई है। पर समझ में नहीं आ रहा है कि नगर पंचायत ने अचानक से ये नोटिस हम लोगों को क्यों थमा दिया है। क्या कह रहे हैं नगर पंचायत के लोग? नगर पंचायत के लोग जो नोटिस हम लोगों को दे के गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर हमें जो भी आपके पास कागज़ हैं वो दीजिए, जबकि हमारे पास कागज़ भी पूरे हैं, हमने नोटिसों के जवाब भी दिए हैं उनको, लेकिन इस तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है ये राजनीतिक रूप से मामला लग रहा है हम लोगों को। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।